गुड आफ्टरनून ब्रूनो, शो मी योर फेस। चलो ये हमारा प्यारा सा ब्रूनो आप सबका चाहिए था, एन अनट्रेन्ड डॉग लाइव आ चुका है। विंटर्स के मजे लेते हुए सनबेदिंग, वो भी कहाँ पर, अपने घर की बालकनी में। अपने घर की बालकनी से ब्रूनो नीचे झांकते हुए, वहाँ पर क्या है अभी तक कोई नहीं है। ब्रूनो तुम बहुत सुंदर लग रहे थे। अरे वाह, तुम्हारे कपड़े में टेडी बियर भी बना है, डू यू नो। हाँ, पापा ने कैसे सेटअप किया है बालकनी में। बालकनी में पापा ने सबसे पहले चटाई बिछाई है, ब्रूनो को कपड़े पहनाए हैं और ब्रूनो को लेकर आए, थोड़ा सा ऑयल लगाया उनके फेस में, उनके कान साफ किए हैं। दिखाओ कान, दिखाओ, हाँ दोनों कान दिखाओ, ये गुड बॉय, गुड बॉय। नाक दिखाओ, ओ बुप बुप, ठंडी हो गई है थोड़ी सी तुम्हारी नाक, इसलिए लेकर आए थे पापा। बहुत ठंड लगती है, लैब्राडोर्स को गर्मी भी बहुत लगती है और ठंड भी बहुत लगती है। ब्रो इतना क्यूटली बैठे हो तुम, अरे वाह ब्रूनो, देखो सॉरी ब्रूनो को सबसे पहले किसने विश किया है, हेलो लिख के भेजा है यश ने। हेलो यश, कृतिका देव, यस ही इज सो क्यूट एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट। हेलो मीत खेतान, हाउ आर यू। श्याली बड़ा दे सॉरी, हेलो श्याली। ब्रूनो देयर आर अ बिग हार्ट फ्रॉम श्याली टू यू। हेलो अंशनेगी, हाउ आर यू। ब्रूनो सनबेदिंग करते हुए, यू कैन सी कितना इंजॉय करता है डॉग, खास तौर से तब जब उसके पेरेंट्स उसके साथ बैठे हों। कितनी किन अदाओं से बैठा हुआ है, लखनऊ के छोटे नवाब। अरे वाह, सुन लिया तुमने नवाब, सुन लिया तुमने। ब्रूनो अभी तुम्हें इधर देखना चाहिए, दो मिनट। हाँ इधर पापा के पास देखो, ओ कडलिंग सेशन, आंखों में मलाई आ गई है तुम्हारे, ला साफ कर दे अभी तुम्हारे टिश्यू अंदर है, हाथ से कर देते हैं, मैं सैनिटाइज कर लूँगा। सो ब्रूनो तुम लाइव आए हो, अब सबको क्या बताना चाहोगे तुम कि विंटर्स में डॉग का खास तौर मुझे ठंड नहीं लगने देते हैं। हेलो सूरज प्रताप, ब्रूनो बहुत प्यारा है ये, उसको सुन के अच्छा लगा। ब्रूनो अब एक काम कर, तो सबको बताओ कि विंटर्स में डॉग के लिए क्या करना चाहिए। विंटर्स में डॉग के लिए उनको वॉक पर तब लेकर जाएं जब धूप निकली हो। हैशटैग ब्रूनो सेकेंडरी, जब धूप निकली हो तब लेकर जाएं, सुबह और शाम को अंधेरा होने के बाद, सूरज ढलने के बाद या सूरज निकलने से पहले लेकर ना जाएं। शेड्यूल आपका चेंज हो सकता है कि आप ऑफिस के लिए लेट हो, तो किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आप जाएं। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्रूनो, मेट्रो डॉग लग रहे हो, मेट्रो में ऐसे ही लैब्राडोर्स होते हैं तुम्हारी तरह। एंड सेकेंडरी, इनके क्लोथ थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, आप 2-3 सेट लेकर आ सकते हैं वेन एवर यू नीड, कि गंदा हो रहा है, क्योंकि एलर्जी होने का खतरा रहता है इनको, तो इनके क्लोथ चेंज करते रहें हर दूसरे तीसरे दिन। और अगर आपके पास टॉप लोडिंग मशीन है ऑटोमेटिक, तो आप उसमें एलर्जिक फ्री वाला फंक्शन यूज करके उसको यूज करके हॉट वॉश में, या तो
गर्म पानी में अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तब इनके कपड़ों को धुलें। ब्रूनो का आप देख सकते हो ये काला कर लेता है बैठे बैठे, ये सारे हेयर्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। इनको खाने में थोड़ा इनकी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, आप इनको राइस मत दीजिए। तो एक शॉट आउट देते हैं सूरज के बोजो के लिए। बोजो ब्रूनो, तुम्हारे तुम्हारी बिरादर का नाम क्या है? बोजो, अच्छा लगा ब्रूनो को ये नाम। कौन है ब्रूनो? ब्रूनो के लिए बैरियर लगा दिया है मैंने, ये क्लोथ स्टैंड है कि रूम के अंदर ना जाए, क्योंकि फिर ये ना थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है, कोई बेल बजती है तो ब्रूनो तुरंत अंदर जाता है। ये आप ब्रूनो को देखो, पहले जब छोटा था तब यहाँ तक के लिए मैंने ये अलग से काटी हुई है, आप देखो कि ये रेलिंग में ये काटा हुआ है कि ब्रूनो बाहर देख सके। पहले इतना था जब छोटा सा था, लगभग 6 महीने का, फिर 1 साल का, तब ये 1.5 साल का है। अब ये 1.5 साल थोड़ा बड़ा है तो इसकी ग्रोथ ठंडियों में ज़्यादा अच्छी हुई है। हाँ आओ शेक हैंड कर दो ब्रूनो पापा से। ब्रूनो शेक हैंड कर दो, शेक हैंड कर दो, बेइज्जती मत करो, शेक हैंड कर दो। अरे बाप रे, इतने एहसान से, सरकारी कर्मचारी लगते हो कभी कभी तुम, एहसान के साथ साइन करते हो। अगर ब्रूनो कुछ बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? ओली मेरा बेटा है। पता है कुछ लोगों को उसमें तुम्हें सिर्फ देखना अच्छा लगता है, पापा की आवाज़ पसंद नहीं है तुम्हारे, ऐसा मुझे लगता है समटाइम्स। तुम्हारी क्यूटनेस दिखाते हैं सबको। मुझे लगता है कि ब्रूनो अदर लैब्राडोर से थोड़ा अलग है, इतना शांत है वो, जितना देख रहा है इतना है नहीं है। आफत है लड़का, आफत है। कभी आओ ब्रूनो की हवेली पे, बताएगा फिर कि मैं इतना शांत हूँ नहीं। हाँ ये पोजीशन क्या है ब्रूनो? यहाँ पे तुम्हारी पूंछ है, पैर तुम्हारा लेफ्ट में भाग रहा है, राइट वाला ऐसे लेटा हुआ है, इतने स्ट्रांगली तुमने पैर, दिखाओ अपने। हाँ कितने मजबूत पंजे हैं तुम्हारे, ये देखो कितने साफ सुथरे मजबूत हैं। कोटिंग अच्छी कर रखी है तुम्हारे पापा ने। ओहो इतनी ढीली ढीली चेन, अच्छा लुक के लिए डालते हो, ओके ये दिखाओ। हाँ ऊपर करो सर, ये कितनी प्यारी प्यारी झुर्रियाँ हैं ब्रूनो तुम्हारे। हाँ दांत दिखाओ, कनाइन टीथ ब्रूनो का बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं काफ़ी। आज तो बहुत शांत है ये, अभी क्या मतलब आज लग रहा है इसने खाना ज़्यादा खा लिया है, आज इसने 2-3 लेग पीस तो खा ही लिए होंगे। हाँ एक पकाते हुए लेकर भाग गया था, वो तो बड़ी मुश्किल से कच्चा नहीं देते हैं ना, तो इसलिए लेकर वापस आया था मैं। तो ब्रूनो को चिकन की डाइट अभी 2 टाइम कर दी गई है। गुड बॉय ब्रूनो। ब्रूनो पापा कह रहे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ पापा, आ जाओ। आज आज नींद आ रखी है ना तुम्हें, नींद आ रखी है ना, बैठना है अभी। अच्छा ब्रूनो को अभी देखना ट्रिगर वर्ड, उसकी पूछ कैसे हिलेगी। अरे भाई बस स्क्रैच नहीं ब्रूनो, सॉरी ब्रूनो सॉरी, अच्छा सॉरी ब्रूनो सॉरी ब्रूनो, तुम सॉरी समझते हो? ये देखो ये कोई सिखाया नहीं है ब्रूनो की, ये पर्टिकुलर खुद की पोजीशन है, आप देख सकते हो। काश ब्रूनो की तरह सबके पास टाइम होता सन बेदिंग करने का, धूप में बैठकर बाहर देखना, गरम गरम चिकन सूप पीना, थोड़े बहुत कबाब खाना, सलामी खाना। हाँ लेकिन सब सॉल्ट नहीं होना चाहिए उसमें, बॉयल्ड होना चाहिए, वेल कुक्ड होना चाहिए। वाओ ब्रूनो,
माय गॉड, पापा खड़े हो गए तो ब्रूनो सोच रहे हैं पापा जाने वाले हैं, जो कि सच बात है। अब ये ब्रूनो के एंजाइटी लेवल टॉप पे है। बस बस बस, इतनी सारी झुरियाँ लेके कहाँ जाएगा ब्रूनो तू? वाओ वाओ ब्रूनो, अब तुमको अच्छे से पोज देनी थी जो कि तूने दी है। अब ब्रूनो कंफ्यूज है, मैं इस बैरियर से अंदर कैसे आऊं? अपना एंजाइटी लेवल शांत करने के लिए ब्रूनो कुछ ना कुछ सोच रहा है। कोशिश जारी है ब्रूनो की नीचे से आने की। क्या ब्रूनो अंदर आ पाएंगे यहाँ से? लवली ब्रूनो, ये कौन सी पोजीशन है तुम्हारी? नहीं निकल पाओगे ब्रूनो। नहीं नहीं नहीं, टेल से तुम इशारे कर रहे हो ना? नॉट पॉसिबल ब्रूनो, अभी तुम थोड़ी देर में चिल्लाना शुरू करोगे जब नहीं आ पाओगे तो। ये देखो, पता है ना तुम्हारे बाप है इस मामले में, पता है भाई। और तुम्हारी ये तुम्हारी ट्रिक है, आई नो। कम, किसने रोका है? कम आ जाओ, आ जाओ। किसने रोका है ब्रूनो? क्या ब्रूनो यहां से निकल पाएंगे? आप देखते रहिए। आई थॉट निकल सकते हैं। क्या ब्रूनो, काफी स्पेस है ब्रूनो, तुम एक अगर डॉग की तरह ट्राई करो, आ सकते हो। कम कम, बस नो, अच्छा यहाँ से आने की कोशिश करो। एक तो आए देना ब्रूनो का कोई। अच्छा, बिस्किट खाओगे? यहाँ से आओ, निकल सकते हो तुम। यू कैन ब्रूनो, यू कैन कम। अच्छा, इसके लिए ब्रूनो आ सकते हो तुम। हाँ, इसके लिए आ सकते हो तुम। कम, ट्राई करो ब्रूनो, यू कैन कम। हाँ, अरे इसको लेने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। जल्दी आ, कम, जल्दी यहाँ से आ जाओ। अच्छा ठीक है, तो इसको ऊपर से ले लो तब तक। क्या ब्रूनो, इतनी छोटी सी एक्सरसाइज तुम नहीं कर पाओगे? कैसे काम चलेगा? ये नया तरीका निकाला। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं होते। ये नया तरीका निकाल लिया ब्रूनो, अब साइड से ही निकल आएगा, नीचे से आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अभी तो जान गए हो ना कैसे आते हैं।
गुड बॉय बॉय। ये फाइनली फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है ब्रूनो को, जिसकी इंडिया में बहुत डिमांड है आज की डेट में। अब ब्रूनो अपना गुस्सा बनी पे निकालेगा। बनी, वी आर वेरी सॉरी। ब्रूनो अभी एंजाइटी की वजह से तुम्हें खाने की कोशिश करेगा। अपनी जान बचाओ बनी। बनी बचाओ अपनी जान। ये कितने प्यार से तुमने उसके नाक से तुमने क्या निकालना शुरू किया ब्रूनो। तुम बनी को लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? गुड बॉय ब्रूनो। अब इस बनी को तुम छोड़ दो। बनी की नाक से तुमने क्या निकाला दिखाओ। उसकी एक आंख भी खा गए तुम। सो सैड ब्रूनो। इस बनी की क्या गलती थी? इस बनी की क्या गलती थी ब्रूनो? व्हाई? बनी धूप सेक चुके हैं। अब बनी पूरे घर का चक्कर लगाएगा। अब ब्रूनो को सोना होगा। ब्रूनो, अच्छा वॉशरूम जाना है। जब वॉशरूम जाना होता है ब्रूनो ऐसे दरवाजे पे नॉक नॉक। देखिए, विदाउट ट्रेनिंग ब्रूनो की आदत है कि वॉशरूम जाने के लिए खुद ही नॉक करता है। अब मैं दरवाज़ा खोलूँगा और थोड़ा पॉट को बंद करेंगे जिससे ब्रूनो लीक ना करें। लाइट ऑन करेंगे। अब आप देखिएगा ब्रूनो अपने आप बिना किसी सीटी के, बिना किसी एक्टिविटी के टॉयलेट करते हुए आएंगे वहाँ से। अब मुझे पता नहीं है इस लाइव वीडियो में दिखाना चाहिए कि नहीं सुसु करते हुए, बट ब्रूनो ट्रेनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। खुद से आएगा, नॉक करेगा ये दरवाज़ा, आप उसको ओपन करोगे। बस थोड़ा आपको सफाई करनी होती इस जगह पे। अब ब्रूनो खुद से यहाँ पे भी टॉयलेट करते हुए, शर्माते हुए, अपना चेहरा छुपाते हुए अब यहाँ पे अच्छे से वाइपर किया जाएगा, जो कि अभी वीडियो के बंद होने के बाद मैं खुद करूँगा। फिर से ब्रूनो अपने पुरानी जगह पे पहुँच गया है जहाँ से अभी उसको ट्रेनिंग मिली थी अंदर आने की। एक डॉग के साथ एक अपार्टमेंट में रहना इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप अपने घर में हो, अपना कुछ भी कर रहे हो, ब्रूनो ऐसे आएंगे। एक डॉग अपने घर में ऐसे ही घूमता रहता है, देखता रहेगा क्या हो रहा है, वॉक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। ओवरऑल आज का वीडियो आपने देखा, लाइव देखा, ब्रूनो की एक्टिविटीज़ देखी, ब्रूनो की ट्रेनिंग देखी कि कैसे वो वॉशरूम में जाके नॉक नॉक करता है, उसको वॉशरूम आई होती है। तो अब आप ब्रूनो को बाय बोलिए। हिज नेम इज ब्रूनो। ब्रूनो अब ब्रूनो जेनी तुम्हें कॉपी करती है या तुम जेनी को कॉपी करते हो बताओ? पलक, मुझे लगता है ये एक अच्छे ओनर की अच्छी गाइडेंस का नतीजा होता है कि आपका डॉग आपके घर को कहीं गंदा नहीं करता, सिर्फ वॉशरूम में करता है, इन केस अगर वॉक पे नहीं जा रहा है तो। सॉरी, ब्रूनो का बर्थडे मई में आता है। इस मई को ब्रूनो
टू ईयर्स का हो गया था, अब ये 2.6 चल रहा है अभी ब्रूनो का। ब्रूनो कितनी क्यूटली बैठे हो तुम, यूट्यूब पे लाइव हो तुम, तुम्हें सोना नहीं है आज। ब्रूनो इज 2.8। ब्रूनो सोना नहीं है, चलो यहाँ की चढ़ाई कौन उठाएगा, तुम्हारे बाप? यस पापा उठाएंगे मेरे, तो मैं उठा लेता हूँ, ये तो गंदी हो जाएगी ना। अरे वाह, तुम्हें खेलने का मन था, बताया नहीं तुमने। वहाँ से बहुत शोर आ रहा था, अब ठीक है। वाह ब्रूनो, तुम कैसे बनी को लेकर खड़े हो, ये छोड़ दिया कि कोई आओ मेरे साथ खेलो, मैं फेच गेम। चलो फेच गेम खेलते हैं, लाओ देखो। ड्रॉप कर दिया ब्रूनो कि आप दो, फिर मैं ये पकड़ेगा, अभी देखिएगा। ब्रूनो ने मुझे ड्रॉप करके दिया, लेकर आया ब्रूनो, चलो खेलते हैं। 1 2 3 गो फेच, बेइज्जती कराने के लिए। अरे कुछ मिसिंग है, ऊपर नहीं देना चाहिए था। कहाँ है टॉय, कहाँ है ब्रूनो का? इसके लिए फिर ट्रिगर वर्ड्स है, टॉय कहाँ है, मैं लेने जा रहा हूँ। ये ट्रिगर हो गया ब्रूनो, अब इसने फिर ड्रॉप कर दिया। पोजीशन देखिए, खेलने के लिए बिल्कुल रेडी। ये इन्विटेशन है, एक डॉग ऐसे इन्वाइट करते हैं अपने पेरेंट को, अपने ओनर को, कि वो आए मेरे साथ ऐसे खेले। ब्रूनो आप इसको पकड़ने जाओगे, ये फिर से ग्रिप बना लेगा उस पर, दे दो। अच्छा ठीक है, दोगे नहीं तो खेलेंगे कैसे ब्रूनो। चलो अच्छा, चलो ठीक है, फेच टग ऑफ वॉर खेलना है, लेकिन बनी की गर्दन बचेगी नहीं ब्रूनो उसके बाद, पता है भाई पता है। यू आर द विनर, लैब्राडोर्स की ग्रिप सबसे तगड़ी होती है वैसे, मतलब गेम के मामले में, वैसे और भी डॉग्स की हो सकती है। ये देखो कह रहा है डिस्टर्ब मत करो, फेंको मुझे फेस करना है। ओके 1 2 3 गर्दन देखना, 1 2 3 चलो फेच, कैच करो कि कैच, चलो ब्रूनो कैच। मिस हो गया, चलो अच्छा अगेन, अब जल्दी जल्दी करेंगे, चलो गो बैक, हाँ कैच, गुड बॉय। चलो अगेन, ठीक है ब्रूनो कैच करना है तुम्हें टॉय, 1 2 3 कैच, मिस हो गया। चलो अब जी, कैसे तुमने अपने कपड़े आधे अधूरे कर लिए, पूरे कपड़ों को आधा अधूरा कर लिया, ठंड लग जाएगी तुझे। ये कह रहा है खेलो आके, इसने हाथ पे काटा अभी आके, मतलब पकड़ने की कोशिश की, नॉट काटा। ये देखो खेलना नहीं है, चलो ब्रूनो प्ले अगेन। सन बेदिंग ले लिया तुमने, ओ फट जाएगा, देखो इसका फट रहा है, पैर निकल गया ब्रूनो। ये देखो तो आ गया, अब ब्रूनो उसका पोस्टमार्टम करेगा, यहां से फट गया है, स्मार्ट पर्सन। ब्रूनो काम वाली दीदी ना बहुत मारेगी तुझे, जब देखो तब गंदगी फैलाता रहता है, देखना अभी कितनी शिद्दत से निकालेगा रुई। हाँ, क्रिसमस मंथ चल रहा है, आइस की फील आनी चाहिए ना। आहा वाह ब्रूनो, ये सब कहाँ से सीख के आते हो यार, किसके संगत में रहते हो तुम। अब जितनी जगह से छेद हो सकता है वहाँ से छेद करके ऐसे रुई निकालेगा ये लड़का, देख रहे हो, दोनों हाथ से पकड़ कर
इट्स ओके ईशान, टेक योर टाइम, ब्रूनो इज हियर ऑलवेज फॉर यू ऑल। ये देखो अब गिर गया, अब इसके लिए ब्रूनो का फेस देखना कितनी सारी जुड़ियाँ लेकर खड़ा है। अच्छा ठीक है, ये लो ब्रूनो यहाँ से। अरे वाह, बताने की जरूरत नहीं है, ये गंदगी क्यों फैला रहे हो? फिर गिर गया, अब देखेगा, भौंकेगा, आप उठाओ मेरे लिए। अब जब तक ऊपर नहीं देखेगा तब तक मैं नहीं उठाना। क्या हुआ ब्रूनो? ब्रूनो क्या हुआ? अच्छा ये इसका एंजाइटी लेवल है ब्रूनो का, अब आपको उठाना है, देखना। हाँ चलो अगेन, अभी रुई बची है उसके अंदर ब्रूनो, लग जाओ। ये कितनी कोशिश की जा रही है उसको दबा कर के। अभी तो ये लास्ट ईयर का था, अभी ब्रूनो के फिट आ रहा है। मुझे लगता है लास्ट ईयर मैंने बड़ा साइज ले लिया था, इस बारी टाइम नहीं है कुछ इसके लिए कुछ बनाने का। हम लोग इसको बाय कर रहे हैं इसके क्लोथ्स। दिल्ली में एक जगह है नीति बाग, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे डॉग की ही मार्केट है, डॉग के वेट्स वेट आपको मिलेंगे वहाँ पे। इनके ग्रूमिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं वो लोग। आप नीति बाग आ सकते हो, ये है साउथ दिल्ली में, वहाँ पे बहुत अच्छे वेट हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं डॉग्स के लिए। सिद्धि जोशी, दिस वन इज मेल लेब्रा। वैसे मेल और फीमेल लेब्रा का डिफरेंस देखिए फेस से पता चल जाता है। फेस अगर आप देखोगे तो फीमेल लेब्रा का थोड़ा प्लेन सा होता है, इनकी थोड़ा झुर्रियाँ होती हैं लाइक हम लोगों की बियर्ड होती है। दिस वन बहुत अच्छा नाम है इनके चैनल का है, या फिर इनका नाम है कद्दू डिटना मोटू लेब्राडोर। ही सेइंग हेलो ब्रूनो, ये क्या तुम्हारे प्यो के लिए छोड़ गए हो इतना सारा? हाँ क्रिसमस मना दिया तुमने बेड पे, अभी भी खेलना है इससे? कुछ बचा भी है इसमें? जान नहीं बची है तुमने इसको, देखो पोलियो कर दिया है। ओके ड्रैगन हुड फीमेल लेब्राडोर, व्हाट्स हर नेम? तो सिद्धि जोशी ने बताया कि ये उनके मम्मा का फ़ोन है, और ब्रूनो को देखने के लिए वो अपने मम्मा के फ़ोन से आई हैं ऑनलाइन, और उनका नाम है कनक। कनक बहुत अच्छा नाम है, कनक कनक ते सौगिनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराय जगमा जौ खाए बौराय। इसके लिए मेरे को 10 मार्क्स कटे थे, अभी तक याद है मुझे। हेलो साक्षी, ये ब्रूनो को आवाज़ आ रही है, दूसरे रूम में कोई है, कैसे देख रहा है, जबकि इस रूम के दरवाजे पे मैंने एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है ब्रूनो के लिए। ब्रूनो कितने बार तुम्हें बताया डॉग नॉट अलाउड, और तुम वहीं पे जाते हो? देखो बैरियर लगा रखा है तुम्हारे लिए पापा ने। गौतम आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे? अच्छा डॉग के सामान के लिए कौन सी वेबसाइट अच्छी है? तो जैसे अगर कोई आपका न्यूबॉर्न बेबी आता है उसके लिए फर्स्ट क्राई है, तो डॉग के सामान के लिए अभी ऐसी कोई ऐसा सच वेबसाइट बहुत अच्छी मुझे तो नहीं मिली है। अगर आप लोगों को पता हो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड वैसे अमेजोन इज़ द बेस्ट थिंग, कि वहाँ से अमेजोन से ले लो, और इस पर एक बिजनेस का स्कोप भी है कि डॉग के लिए पर्टिकुलर एक वेबसाइट बनाई जा सकती है। कुछ शॉप्स हैं जो बनाते हैं लेकिन उनकी डिलीवरी एरिया पूरा इंडिया में नहीं है, पर्टिकुलर उनके एरिया में ही होती है। तो अमेजोन की तरह कोई ऐसी साइट नहीं है जो डिलीवरी करे डॉग के प्रोडक्ट्स की ऑल ओवर द इंडिया। बहुत महंगा है तो एक्चुअली डॉग के प्रोडक्ट्स थोड़ा महंगे आते ही हैं ऑनलाइन, तो फिर भी आपको 5-10% 50% तक मिल सकता है।
बट अगर हम बात करें ऑफलाइन तो वो 10% से ज़्यादा आपको नहीं देंगे। ऐसा लगेगा 10% में आप उनसे ना उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हो। अब डॉग को रखने के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि डॉग अगर आपने रखा है तो ये कॉस्टली है। आपको एक डॉग को संभालने के लिए अपनी सैलरी अपनी चीज़ों को अच्छे से इंक्रीज करना पड़ेगा। एक अच्छे डॉग की डाइट कम से कम 12,000 रुपीज़ पर मंथ होती है। इतने में आप सुकन्या योजना का लाभ उठाएं, आप 74 लाख मिलते हैं आपको 21 साल बाद अगर आपको डॉग नहीं रखना है तो। नहीं सिद्धि ने आपने क्या नाम बताया था, कनक। कनक अमेज़ॉन फेक नहीं है। आप उसमें देखिए किस सेलर से आप सामान परचेज कर रहे हैं, उसकी रेटिंग्स देखिए, उसके प्रोडक्ट्स की कैटेगरी देखिए। अगर किसी ने डॉग प्रोडक्ट्स भी डाले हैं, आईटी प्रोडक्ट्स भी डाले हैं, किसी ने उसमें खाने का सामान भी अपने सेलिंग पेज पे डाला हुआ है, तो वो जेन्युइन नहीं है। जिसने सिर्फ डॉग प्रोडक्ट्स अपने शॉप में लिए हुए हैं, उसके प्रोडक्ट्स पे अच्छे रिव्यूज़ हैं, तब आप मंगाइए अमेज़ॉन से। वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कंपनी है अमेज़ॉन, तो कुछ तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन मैकबुक मंगाया है, मतलब मैकबुक हो गया, टैब हो गया, सारा मैंने ऑनलाइन ही किया है शॉपिंग। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को हमेशा ओरिजिनल सामान मिला है, इवन दिस प्रिंटर टू। ब्रूनो का बस चले तो खुद ही ऑन करके बिग बॉस देखने लगे। अगर 3 डॉग हैं गौतम तो आपको देखो क्लोथिंग पे खर्च करना है, उनकी डाइट को हो सके तो ऑर्गेनिक करना है, मतलब आप उनको शकरकंद होती है, पम्पकिन होता है, इन सब चीज़ों को बॉयल करके रख लें, थोड़ा थोड़ा सा दें, राइस दें, रोटियां, इनके बाजरे की रोटियां इनके लिए बनवाएं जो डाइजेस्ट कर लें, तो आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट वांट कि उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट ही चाहिए डॉग्स। आप देख सकते हो ब्रूनो अपना फूड कम, घर का फूड ज़्यादा खाता है। उसकी उसकी हेल्थ देखिए, उसका कोट देख सकते हो। कोट में क्या होता है कि डेली नहीं लगाना होता है, वीकली 1 टाइम या 2 टाइम नहाने के बाद उनको मॉइस्चराइजर और उनका जो क्रीम होती है वो लगा दीजिए, हल्का सा सॉफ्टनेस बनी रहती है, स्मेल आती है अच्छी। नहीं कनक, अनलकी कुछ नहीं होता है, आपको R&D करनी चाहिए प्रोडक्ट्स के लिए। ब्रूनो गोलू मोलू है, ब्रूनो तू गोलू मोलू है, ये तो अपने UP साइड की लैंग्वेज है। ब्रूनो डेली 2 टाइम्स वॉक पे जाता है, इवन आपकी तबीयत सही हो या ना हो, इवन आप ऑफिस से आए हो या ना हो, ब्रूनो को जाना ही है 2 टाइम। अब ये ब्रूनो को क्या चाहिए, यू नो मैं दिखाता हूँ क्या चाहिए। ब्रूनो क्या चाहिए, बिस्किट ख़त्म हो गए। अब दिस वन, ये लास्ट वीडियो में तुमने इसी से कांड मचाए थे ना, ये मैं दिल्ली से हूँ, साउथ दिल्ली से, ब्रूनो भी साउथ दिल्ली में रहता है। डियर पार्क ब्रूनो की फेवरेट जगह है, वीकली 2 टाइम्स वहाँ जाता है। लेकिन क्या होता है, वॉक करते समय ब्रूनो को बहुत हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता मैं। जल्दी वॉक की वीडियो बनाऊँगा जब GoPro भी मैं परचेज कर लूँगा। ओके देहरादून, इट्स नाइस प्लेस नियर मसूरी। दिल्ली का तो दूसरा फेवरेट टूरिज्म स्पॉट है, दिल्ली वाले फ्री होते हैं देहरादून मसूरी पहुंच जाते हैं, हरिद्वार हाँ राफ्टिंग करने चले जाते हैं। बात पैसों की नहीं होती कि आप पेडिग्री क्यों देते हो, होता क्या है कि अब टाइम भी होना चाहिए आपके पास। थोड़ा क्या होता है कि जैसे मैगी हम इंस्टेंट खा लेते हैं, उस तरीके से हम इनको देते हैं डॉग्स को, कि पेडिग्री इंस्टेंट फूड होता है, भूख ना लगे, क्योंकि इनको भी हर 3 घंटे 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। इसलिए हमें पेडिग्री एक ऑप्शन आया था जिसको हम लोग ऑप्ट कराए, नहीं तो लोग पहले भी डॉग रखते थे और घर का ही फूड कहलाते थे।
ईशान वही बात है कि ब्रूनो के पैर गंदे होते ही नहीं है, क्योंकि जब भी ये ऊपर से ये कहीं से भी वॉक करके आते हैं तो फिर इनको अच्छे से वॉश कराया जाता है, घर नीट एंड क्लीन रखा जाता है, क्योंकि शूज़ में इनको इरिटेशन होती है जब बाहर जाते हैं तब इनको लेकर जाते हैं। आप ब्रूनो के पॉज देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, थोड़ी सी डस्ट तो होती है। इसके बाद पॉ क्रीम इसमें यूज की जाती है, ये ब्रूनो 3 दिन से बिस्किट का पैकेट लेके घूम रहा है, अभी खा नहीं रहा है, सिर्फ लेकर बैठ जाता है। टेक्नो गेमिंग इट्स बूप बूप टाइम। हाँ कनक प्लीज आस्क। अगर आपका डॉग ग्रास खा रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ये इनके पेट के लिए, इनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रूनो दिस बूप इज, देखो दिस बूप इज फॉर टेक्नो गेमिंग। बूप 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 दे तो दो एक बार, बूप 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 बूप, की होल की तरह है तुम्हारा ये। ओके कनक, जब ब्रूनो पहली बार घर आया था तो ब्रूनो रास्ते में सो गया था, तो हमें लगा ये सांस ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है, बहुत डर लग गया था। जब घर लेकर आए थे तो इसको चलना नहीं आ रहा था, इसके हाथ ऐसे पैर ऐसे ऐसे भाग रहे थे। इसने कुछ नहीं काटा था हमें, पूरे घर में इसने गंदगी मचाई थी क्योंकि इसको ठंड लगी हुई थी। और फिर इसको नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा आराम मिला, फिर धीरे धीरे इसको हमने सेरेलैक दिया था बच्चों वाला, और इसको सेरेलैक पे रखा था कम से कम 10 दिन। हमने इसको कम से कम 4-5 बार सेरेलैक मिलता था, थोड़ा सा दही देते थे, तब जाके ब्रूनो थोड़ा सा स्टिल हुए थे। अभी आप इसका देख रहे हो बिस्किट का पैकेट, अब मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे करूँगा ब्रूनो का, देखना आर्ग्यू कैसे करेगा। लाइक देख सकते हो, एक्चुअली फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से, हाँ जी फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से लाइव फीड बंद हो गई थी, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव आप सबसे। Thank you so much for watching an untrained dog.